तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघ मद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बन्हा जी के महाअक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। लगातार 7-8 दिनों से आप निरंतर वर्धमान चरित्र का कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से आप मुझे सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी अपने आप को सुनता हूं। जितना आप मुझे सुनकर के प्रसन्न होते हैं, इतना मैं भी अपने आप को सुनकर के प्रसन्न होता हूं। ये वर्धमान चरित्र एक ऐसा अद्भुत चरित्र है भगवान महावीर स्वामी का कि जितना आप पहली बार इस वर्धमान चरित्र को सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार ही इस वर्धमान चरित्र को सुन रहा हूं। पढ़ता हूं, पुस्तकों में कुछ खोजता हूं, खोज करके निकाल करके फिर कुछ जब बोलता हूं तो सिर्फ शब्दों का आनंद आप नहीं लेते, मैं भी अपने शब्दों का आनंद लेता हूं। बंधुओं, ये वर्धमान चरित्र को सुनने से होता क्या है? किसी भी उपदेश को सुनने से क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में एक ऐसी कौम है जिसने धर्म के नाम पर कभी दंगा नहीं किया। ऐसी कैसी कौमें खड़ी करी जाती हैं जिसमें कभी दंगे नहीं होते? ऐसी कैसी कौमें खड़ी करी जाती हैं कि जिन कौमों में धर्म के लिए कभी भी वेपन्स और हथियार इकट्ठे करके नहीं रखे जाते? ऐसी कौमें बनाने के लिए छोटी से छोटी समाज भी देखिएगा बंधु, उस छोटी से छोटी समाज में भी अपनी समाज अपने धर्म के नाम पर कभी ना कभी हथियार उठाए होंगे, तलवार चलाई होगी। लेकिन वर्धमान शासन के इस जबरदस्त वर्धमान चरित्र को सुनने पर आपको पता चलता है कि बिना हारे और बिना हराए कैसे जीता जाता है। आपको पता चलेगा कि कैसे बिना हारे और बिना हराए जीता जाता है। आपको सुना तो आप लोग बहुत बार बोलते होंगे जैनम जयतु शासनम, लेकिन शासन का क्या मूल्य होता है? जब आप ये वर्धमान चरित्र सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं भी आपके साथ अपने ही कथानक का एक श्रोता हूं और सुनकर के मैं भी आनंदित होता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आनंदित होते हैं, मुझे भी वक्ता को भी सुनने का अपना आनंद मिलता है, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं, पढ़कर के जब देखता हूं कि कहां कैसा लिखा है। कल ही जब शाम को पुस्तक पढ़ रहा था तब माँ भारती बार बार एक ही बात कह रही थी, बेटा, उनके शब्दों में टटोल रहा था मैं भगवान महावीर स्वामी के पूर्व के 27 भवों का जो वर्णन महावीर पुराण में मिलता है। मैं देखता हूँ उस पुराण में पढ़ने पर कि पुरुरवा भील से मरा, मर करके देव हो गया, देव करके मरा, मर करके यहाँ पर फिर मरीची हो गया, मरीची मरा, मर करके पुण्य के कारण तो पहले देव हुआ, फिर नरक में चला गया, फिर तिरियन चला गया, फिर उठा, फिर चला गया, फिर नीचे आ गया, बार बार देव गति, बार बार मनुष्य तिरियंच गति, ये आवागमन जो लगा हुआ है, और हर बार पुण्य के उदय से कहीं ना कहीं हमको धार्मिक वस्तुएं मिल जाती हैं, हर पर्याय में हमको धर्म करने का कुछ ना कुछ साधन मिल जाता है बंधु।
लेकिन उसके बाद भी देखता रहा कि कितने कष्ट सह करके सिंह ने संलेखना ग्रहण करी, संलेखना ग्रहण करके देव बना, देव बनकर के नीचे कनकोज्जुल की पर्याय में आया। फिर यहाँ पर आगम की सम्मत तप किया, तप करने के बाद फिर शांत होकर के फिर देव बन गया, देव बना मनुष्य बना, देव बना मनुष्य बना। लेकिन साधना अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही नहीं रही है। जब साधना अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंची, तब दिमाग में वो बात चली कि एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए, और हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। आप सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं कि जब संलेखना ग्रहण कर ली, रत्नत्रय ले लिया, आगम ग्रंथों को पढ़ लिया, मुनिराज के उपदेश सुन लिए, तो उसी भाव से मुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि प्रयोग गमन संन्यास स्वीकार करने के बाद भी लोग देव की पर्याय में जाते हैं, वहां पर भी 5 सागर 7 सागर 10 22 15 33 सागर तक जीते हैं, फिर आते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। बार बार सुनने पर यह चीज समझ में आती है कि एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए, हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। आप भी अपने घर के अंदर भूमिका बनाते हैं ना। देखिए ना, कल छोड़ दिया जाए तो परसों हम सभी मिलकर के भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाने के लिए फिर एक बार उपस्थित होंगे। ये जो महावीर कथा है, भगवान महावीर का चरित्र है, ये आपको सिखाना चाह रहा है कि कैसे बिना दंगा किए एक अच्छी कौमें खड़ी करी जाती हैं, कैसे एक संपन्न व्यक्ति को और संपन्न बनाने के लिए किस तरीके का पुरुषार्थ किया जाता है। बार बार किसी भी प्रथमा नियोग के ग्रंथ को पढ़िएगा, आपको एक बात हमेशा समझ में आएगी कि एक जन्म में रत्नत्र प्राप्त कर लेने मात्र से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब भगवान महावीर स्वामी का स्वयं जीवन चरित्र देखता हूँ कि सिंह की पर्याय से कनकोज्जल की पर्याय, कनकोज्जल की पर्याय से देव, देव बनने के बाद फिर नीचे आकर के वो पुनः एक राजा बनते हैं, उसके बाद कनकोज्जल की पर्याय के बाद 6 भव और लेना पड़ा भगवान महावीर स्वामी के जीव को पूर्व की अवस्था पे। इस बीच में भगवान महावीर स्वामी के जीव को चक्रवर्ती का पद भी मिल गया, षटखंड के वो अधिपति भी बनने का, प्रियमित्र चक्रवर्ती बनने का भी भगवान महावीर स्वामी के जीव को सौभाग्य मिल गया। मरीचि के भाव में जो भावना पिता को देख करके भाई थी कि मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, मैं कैसे चक्रवर्ती बनूंगा, वो चक्रवर्ती की कामना भी यहाँ पर आकर के प्रियमित्र चक्रवर्ती के रूप में उनकी पूरी हो गई। सिर्फ ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय विभव सनाता ही नहीं, और भी कई चीजें मिलती हैं, महाकुला महारता राजेंद्र चक्र मवनींद सिरोच नियम, कि कहीं पर वो पहले तो देवों का इंद्र बनता है, फिर चक्रवर्ती भी बनता है, फिर धर्म तीर्थ का तीर्थंकर भी बनता है। जिसको मोक्ष जाना है, जिसको तीर्थंकर अपने जीवन में तीर्थंकरत्व की पर्याय घटित करनी है, उसकी विशुद्धि का कहना ही क्या होता है बंधु। जब चक्रवर्ती की पर्याय में भी उनने पूरे चक्रवर्तित्व के वैभव को भोग लिया, भोगने के बाद नंदीवर्धन और वीरमती के पुत्र के रूप में नंदन के पर्याय में उनका फिर से पुनः देव से नीचे की आकर के फिर उत्पन्न होना हुआ। जब वो राजा नंद की पर्याय में यहाँ पर आए, श्वेतांबर संप्रदायों में भगवान महावीर के भाई का नाम नंदीवर्धन आता है, यहाँ पर नंदीवर्धन पिता और वीरमती माता के पुत्र नंद की पर्याय में आकर के यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के जीव ने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। कितना अजीब सा लगता है सोचने पर कि एक ही व्यक्ति के बारे में रोज सुनते सुनते कई बार ऐसा लगता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन बार बार सिखाया जाता है। हर स्वर्ग का सुख अलग अलग है, हर सुख का वैभव अलग अलग है, हर वैभव के पास साथ मिलने वाली शक्तियाँ अलग अलग हैं। इन सारी चीज़ों को आप जब स्वयं कभी महावीर पुराण उठा करके पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना अद्भुत है भगवान महावीर का वर्धमान का पूर्व भव का चरित्र। ये पूरी की पूरी महावीर कथा 3 भागों में प्रायः करके कही जाएगी। अभी हम पूर्व भव की पर्यायों का वर्णन सुन रहे हैं, फिर भगवान महावीर स्वामी के गर्भावतरण से लेकर के
उनके राज्य शासन की पूरी एक प्रक्रिया को सुनने के लिए भी समय निकालेंगे। और तीसरे खंड में दीक्षा के बाद समवशरण और समवशरण के बाद कैसे गौतम गणधर इत्यादि का मिलना होता है, चंदन बाला के साथ महावीर स्वामी के कैसे संवाद होते हैं, किस तरीके के उपसर्ग आते हैं, ऐसे तीन खंडों में ये पूरा का पूरा भगवान महावीर का चरित्र बटा हुआ है। अभी ये 6-7 दिनों की जो आपकी संकल्पना थी ये पूर्व की पर्याय की ओर जा रही थी। अभी पांचों कल्याणकों के बारे में भी जानना हमारे जीवन में बहुत कुछ शेष है। भगवान महावीर स्वामी अपनी पूर्व की पर्याय में जब नंदीवर्धन और वीरमती के पुत्र राजा नंद के रूप में वहाँ पर जन्म लिया, चूँकि पूर्व से ही वे तपस्या करते 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 अपने पूरे जीवन को और परिष्करण कर रहे थे, उस नंद राजा की पर्याय में राजा नंद को कभी भी साम्राज्य का विस्तार करने की भावना पैदा नहीं हुई। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे अब और विस्तार चाहिए, जैसे हमारी सोच में रहता है जितना मिल जाए उतना कम लगता है। लेकिन राजा नंद की पर्याय में राजा नंद को कभी भी मन के अंदर अपने साम्राज्य के विस्तार की भावना ही पैदा नहीं हुई। कभी उनसे कहा भी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करिए तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि पूर्व की कई पर्यायों में कितना विस्तार मैं देख चुका हूँ, अब मुझे राज्य की आकांक्षा नहीं है। प्रजा सर्वाधिक समृद्ध थी, समृद्ध प्रजा के साथ साथ राजा नंद का भी सर्वांगीण विकास था। उनकी बुद्धि भी जबरदस्त थी, उनकी वक्तव्य शैली शब्दों का संचालन भी बड़ा जबरदस्त था, उनके अश्व संचालन के साथ शस्त्र कौशल की विद्या भी बड़ी अद्भुत थी, साथ ही साथ उनकी वाणी में शांति और चित्त में करुणा। आचार्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ ये दो शब्द लिखे कि किसी राजा के जीवन में, किसी संपन्न व्यक्ति के जीवन में चित्त में शांति और शब्दों में करुणा मिल जाना। घर के अंदर कभी भी देखिएगा जितने बड़े वृद्ध होते हैं उतना ही अशांत चित्त होता है। पहले अपनी चिंता करते थे, फिर पत्नी की चिंता करें, फिर पुत्र की, फिर नाती की, फिर मकान की, फिर दुकान की, जितना बड़े होते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा चिंता का स्तर बढ़ता चला जाता है। उनका अपना एक आश्चर्यकारी जो वैभव था, आचार्य कहते हैं कि उनके चित्त की करुणा देखने लायक थी और वाणी की शांति भी बहुत ज़्यादा अद्भुत और देखने लायक थी। बंधुओं, प्रोस्टिल्य मुनिराज के पास जाकर के जब राजा नंद ने अपने बारे में कुछ जानना पूछना चाहा और आगम के बारे में भी जानना चाहा, तो फिर पोस्टिल के द्वारा, पोस्टिल मुनिराज थे, उन मुनिराज के द्वारा पुनः महाराज नंद को 16 कारण भावनाओं के बारे में चिंतन करने के लिए संकेत और उपदेश दिए गए। चित्त में करुणा थी, शांति हृदय में पहले से स्थापित थी। 16 कारण भावनाओं के बारे में जब वो घर में चिंतन कर रहे थे, दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ वैयावृत्ति को साथ में लेकर के महाराज नंद ने सर्वप्रथम अपने उपयोग की शक्ति को लगाना प्रारंभ किया। गुरुओं की वैयावृत्ति करने में उनका चित्त इतना ज़्यादा रम जाता था। वर्धमान के चरित्र से अपने चरित्र को मिलाइएगा। कथा सिर्फ ये इसलिए नहीं होती है कि जैसे अन्य मतों में कथा होती है कि पाप नाशनी होती है, हमारी कथा पाप नाशनी ना होकर के विकासनी है, कि हम इस कथा को पाप नाशनी समझ करके स्वयं के जीवन के विकास की यात्रा के साथ जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस कथानक के प्रति आनंद कितना जबरदस्त है। प्रोस्टिल मुनिराज से महाराज नंद ने 16 कारण भावनाओं के उपदेश लिए। उपदेश सुनकर के दर्शन विशुद्धि के साथ वैयावृत्ति की भावना को सबसे पहले प्रमुखता में रखा, मुनियों की वैयावृत्ति में प्रवीण हुए। और फिर धीरे 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 एक दिन अचानक वो मौका मिला कि दर्पण पर अपना ही चेहरा देख रहे थे और एक छोटा सा सफ़ेद बाल दिखाई दे गया। सफ़ेद बाल दिखाने के साथ ही जैसे अंदर से बहुत सारे साधु एक साथ बोल बैठे, अंदर से वो चिंता पैदा हुई कि एक बाल आज सफ़ेद है, कल सब सफ़ेद होंगे, फिर पर्याय को छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके पूर्व में चिंतन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो प्रोस्टिल के मुनिराज के पास जाकर के
राजा नंद ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। महाराज पिछले कथानक में भी मुनि दीक्षा दिलाई थी आपने। हाँ, पिछले कथानक में कनकोज्जल की पर्याय में दिलाई थी, वहां पर 16 करण भावनाओं की कोई बात नहीं थी, लेकिन आज 16 करण भावनाओं की बात भी आपके सामने है बंधुओं, कि 16 करण भावनाओं को भाते हुए, 16 करण भावनाओं का चिंतन करते हुए उसी राजा नंद की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके प्रायोपगमन संन्यास स्वीकार किया। पहले चर्या करी उग्रतम तप तपे, जब प्रायोपगमन संन्यास, जब आयु के अंतिम अवस्था में हमें किसी के सहयोग की अपेक्षा पड़ती है कि कोई हमारे निशक्त शरीर को संभालेगा, उठाएगा, वैयावत्ति करेगा, साफ सुथरा करेगा, लेकिन प्रायोपगमन संन्यास को स्वीकार करने वाली भव्य आत्माएं ना किसी से वैयावत्ति कराती हैं, ना स्वयं अपने शरीर की वैयावृत्ति करती हैं। प्रायोपगमन संन्यास स्वीकार करने वाले जो महानुभाव होते हैं, मान लीजिए कोई किसी ने प्रायोपगमन संन्यास स्वीकार किया है, किसी देव ने उठा करके उनको किसी गड्ढे में फेंक दिया, तो गड्ढे में फेंक देने पर जिस अवस्था में वो गिरे हैं उसी अवस्था में पड़े रहते हुए अपना धर्म ध्यान करते हैं, हाथ सीधा तक नहीं करते। ऐसे उग्रतम तप और ऐसी साधना को स्वीकार करके राजा होकर के नंद राजा ने 16 करण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया और जीव उस राजा नंद की पर्याय को छोड़ करके अच्युत स्वर्ग में जाकर के 22 सागर की आयु वाला एक देव बन गया। 22 सागर की आयु वाला देव जब वहां पर जाकर के बना अच्युत स्वर्ग, 22 सागर बहुत बड़ा होता है बंधुओं, ये सागर जो दिखता है वो सागर नहीं है, उस सागर की परिभाषा ही अपने आप में बहुत बड़ी है। 22 सागर की आयु वाला देव बना और स्वर्ग के सर्वाधिक सुख धर्म ध्यान करने के साथ भोगे। पूरे का पूरा समय अच्युत स्वर्ग में धर्म ध्यान के साथ धीरे 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 करके कैसे 22 सागर की आयु बीत गई किसी को भी पता नहीं चला। पता तो तब चला कि जब आयु के अंतिम 6 माह शेष थे, उन शेष 6 माहों में सामने वाले हर व्यक्ति को, जो और भी देव थे, उन देव ने भी सोचा कि अब इनकी आयु का समय शेष है, एक एक करके दूसरे देवों की मालाएं मुरझा रही थीं। माला मुरझाती है, संकेत देती है कि 6 माह बाद जो है अब आपको किसी और पर्याय में जन्म लेना है। लेकिन जब वहाँ के स्वर्ग के देवताओं को इस बात का आश्चर्य हुआ कि इनके 22 सागर की आयु पूरी होने को आई है, 6 माह शेष है, लेकिन इनके गले की माला मुरझा नहीं रही है, तो देवों में भी चर्चा का विषय बना ये बात कि अच्युत स्वर्ग में कोई जीव ऐसा है कि जिसकी अच्युत स्वर्ग की आयु तो पूरी होने को आई लेकिन गले की माला मुरझा नहीं रही है। माला मुरझाती है तो देवों को बड़ा संक्लेश होता है। देव जब अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से च्युत होकर के मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तो उस पर्याय के कष्टों को देख करके, सोच करके, विचार करके देवों को भी मानसिक संक्लेश बहुत होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद बांध करके कोई जीव स्वर्ग पे गया और वहाँ पर बैठ करके आत्मचिंतन कर रहा है, ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सारे जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे सब स्वर्ग से नीचे आते हैं, स्वर्ग से कई तीर्थंकर हैं। महाराज शनि को देखिए, नरक में है, कौन सी गति से आकर के तीर्थंकर बनेगा, कहना कितना कठिन होता है। तीर्थंकर बनना अपने आप में अद्भुत है, लेकिन महाराज शनि नरक में है, नरक से निकल करके तीर्थंकर बनने वाले जीव के परिणाम और स्वर्ग भोग करके वहां से आकर के नीचे तीर्थंकर बनने वाले के जीव के परिणामों में अंतर होता है कि नहीं होता है। 84,000 वर्ष की आयु में 24 घंटे काटा मारी उस जीव के साथ चल रही है। अंतिम 6 माह बस वो व्यवस्था बनती है कि जिनको तीर्थंकर बनना होता है और जो नरक में रहते हैं, तो अंत के 6 माह में देव उनके उपसर्ग को दूर करके उनके लिए व्यवस्था बना देते हैं। एक वज्रमयी कोट रहता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नारकी आकर के उनको पीड़ा नहीं देता, और वे तीर्थंकर अपने स्वस्थ चिंतन के द्वारा अपने आगे की पर्यायों के बारे में कुछ पूर्व भूमिका बनाते हैं। नरकों से भी तीर्थंकर बनते हैं और स्वर्गों से भी
च्युत होकर के, अच्युत से च्युत होकर के भगवान महावीर का जीव यहाँ पर इस पर्याय में जन्म लेने वाला है। परसों आपके यहाँ निर्वाण कल्याणक की भूमिका बन रही है और हमारे उद्बोधनों में जन्म कल्याणक की भूमिका बन रही है कि कैसे वहाँ पर जन्म होगा, कैसे वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, कैसे वहाँ पर अनुकूलताएं बनेंगी। ये पूर्व भवों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है। जब आप प्रथमा नियोग के ग्रंथ में भगवान महावीर का पुराण या भगवान महावीर का चरित्र उठा करके हाथ में पढ़ेंगे, एक एक भवों की जानकारी और एक एक देव का वैभव और एक एक क्षण के सुख के बारे में सर्वत्र कहीं जानना है तो आपको स्वयं अपने हाथों में महावीर पुराण को उठाना पड़ेगा। सुनने तक सीमित संवाद होते हैं बंधु, शब्दों के बोलने की भी एक सीमाएं होती हैं। अच्युत स्वर्ग में जाकर के जब माला नहीं मुरझाई तो देव जितने भी और भी देव थे, सारे के सारे देवों के मन के अंदर बड़ा कौतूहल मचा कि इनकी आयु पूरी होने को तो आई है लेकिन इनके चेहरे में संक्लेश का एक भी परिणाम दिखाई नहीं देता। जब आपकी आयु पूरी होने को आती है तो चेहरे में संक्लेश का परिणाम दिखाई देता है कि नहीं? मुकुट जब झुक जाता है, बाट जब घर के अंदर कटने लगती है, पानी मांगने पर जब कोई पानी नहीं उठा करके देता है, कोई जब आपके वस्त्र बदलने में आपका सहयोग नहीं करता है, समय पे भोजन नहीं देता है, घर के अंदर कितना संक्लेश होता है। वृद्धों को पूछिएगा, जब वृद्धों को अति संक्लेश होता है, अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर सब सागर में पड़े हो, ये पंचम काल के मनुष्य की स्थिति है। लेकिन अच्युत से च्युत होने वाले उस जीव की माला नहीं मुरझाई, चेहरे में थोड़ी भी प्रसन्नता कम नहीं हुई, उनको अपने आप में बड़ा सुख महसूस हो रहा था। धीरे धीरे पूरे अच्युत स्वर्ग में इस बात का कौतूहल था कि एक भव्य जीव यहाँ से जाने वाले तो हैं। धीरे धीरे जैसे उनके माह के 6 माह बचे थे, उस 6 माह का प्रथम दिन में ही अच्युत स्वर्ग में इस बात की चर्चा चली कि आज धरती पर अयोध्या में 12 करोड़ रत्न बरसे हैं, 12.5 करोड़ रत्न बरसे हैं। इस बात की चर्चा अच्युत स्वर्ग में हो रही थी, क्यों बरसे हैं, कैसे बरसे हैं, कौतूहल का और अज्ञात विषय था। लेकिन यह निश्चित था कि राजा के आंगन में 12 करोड़ रत्न बरसे हैं। देवताओं में चर्चा चली, चर्चा करते करते पूरा दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर कौतूहल भरा, फिर अपने आप में संवाद का विषय बना कि आज फिर 12 करोड़ रत्न फिर वहां पर बरसे हैं। एक एक करके पूरा 1 माह जब रत्न बरसते बरसते गुजर गया और यहाँ पर 1 माह की इनकी आयु कम हो गई, मात्र 5 माह की आयु अच्युत स्वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के पूर्व अवस्था में उस अच्युत इंद्र की बची थी, 1 माह बरसने पर मात्र में पूरी की पूरी अयोध्या रत्नों से लबालब भर गई। अभी और भी बहुत कुछ शेष था, आगे उन रत्नों का क्या हुआ और रत्न कब तक बरसे, इस संवाद को जारी रखने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, भाई दूज के दिन जितने भी दुनिया भर में वे पुरुष वर्ग हैं जिन्होंने कभी अपनी बहन को नहीं देखा या जिनके जीवन में बहन नहीं है या फिर जिनकी बहनें विपरीत परिस्थितियों में हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई दूज 3 दिन बाद 4 दिन बाद आने वाली है। 4 दिन में भाई दूज के दिन बन्हा जी के अजीतनाथ भगवान के दरबार में विशेष शांति धारा का एक बृहत्तम आयोजन किया गया है। हम भाई दूज के दिन जब भगवान अजीतनाथ स्वामी के महाअक्षयकारी उस जिनबिंब पर अभिषेक और शांति धारा करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी बहन के नाम से भी यहाँ पर एक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना है या करने का भाव बने, तो स्क्रीन पर नंबर होंगे, उन नंबरों पर आप अपने संदेश देकर के, अपने नाम देकर के और भाई दूज के दिन विशेष महापूजन महान अभिषेक के द्वारा हम यहाँ पर मूल विग्रह पर अभिषेक शांति धारा करने के लिए जा रहे हैं। जिन भी महानुभावों का मन बने, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1 वर्ष तक का संकल्प करके आप शांति धारा में अपना नाम लिखा सकते हैं। आपके नाम वक्त से पहले यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके नामों के वाचन के साथ आपकी बहन और भाई बहन के इस पवित्रतम बंधन की एक अद्भुत कहानी और भी है। समय समय पर मैं सुनाता रहता हूँ, YouTube पे शायद पहली पिछली बोला भी है, पड़ी होगी, उसको भी सुनने का प्रयास करिएगा।
लगे कि शांति धारा में आपके परिवार का नाम भी शामिल होना बाकी रह गया है, क्योंकि दीपावली हो गई तो चातुर्मास भी खत्म हो गया है। जब कभी भी गुरुदेव के संदेश संकेत मिलेंगे और यहाँ से पूरा का पूरा मुनि संघ विहार करके कहीं अन्यत्र चला जाएगा, आपको मन में ये ना रहे कि हम मुनि संघ के वहाँ रहते हुए महाराज जी के मुख से बन्ना जी के महान अक्षयकारी अजितनाथ भगवान के दरबार पर अपनी शांति धारा स्थापित ना कर पाए। अगर आप चूक गए हैं तो अभी भी मौका है, भाई दूज के दिन बृहदतम शांति धारा में भी अपने परिवार को समृद्ध होने का मौका दीजिएगा। नहीं आ पाते हैं तो अपने नाम दे करके आप यहाँ पर उस आयोजन में भाग ले सकते हैं। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख क्षण।